मॉर्निंग क्लास अब तक हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम डिवीजन कैसे करते हैं जब हमें फ्रैक्शन गिवन हो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 15 डिवाइडेड बाय 3 बाय 9। 15 को डिवाइड करवाना है 3 बाय 9 से, तो आप कैसे डिवाइड करवाएंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट नंबर लिखेंगे एज इट इज, 15 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन को आप, डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। और चेंज करने के लिए क्या आपका प्रोसीजर होगा? डिवीजन थी वो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, और जो ये नंबर था ना ये उल्टा हो जाएगा। 3 बाय 9 है तो 9 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, 9 बाय 3 हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन तो आपने सीखी है, कैसे करते थे? एक सिंपल नंबर की, एक फ्रैक्शन वाले की, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, ठीक है। अब आपके पास ये दो नंबर आ गए, कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? ऊपर वाले के ऊपर वाले से 5 नाइन जा 45, एंड नीचे तो 1 ही है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 45 ही आएगा। कैसे करना है आपको? डिवीजन को पहले करेंगे मल्टीप्लीकेशन में चेंज, और मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो जो नंबर है आपका पलट जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला गया। 3 बाय 9 था तो क्या हो गया? 9 बाय 3। उसके बाद आपने मल्टीप्लीकेशन तो लास्ट एक्सरसाइज में की है, मल्टीप्लीकेशन का आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट हमें डिवीजन दे रखी है, 28 को डिवाइड करवाना है 13 बाय 4 से, ठीक है। ये कैसी है आपकी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी तक आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन किया है उसमें आपने सबसे पहला काम क्या होता था? मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते थे सिंपल फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे भी करेंगे, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो। जो आपका फर्स्ट रूल है वो सेम वही रहेगा एज इट इज। मिक्स्ड को किसमें चेंज करना है? सिंपल में। तो कैसे चेंज करेंगे? आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रहता था, न्यूमरेटर क्या बन जाता था? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस ये 4 वन जा 4, 4 प्लस 3 7, तो आपकी डिवीजन क्या बन गया फ्रैक्शन? 28 डिवाइड बाय 7 बाय 4, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर डिवीजन है तो उसको वो कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, एंड आपका जो इसके बाद जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 7 बाय 4 है तो नीचे 4 क्या आ जाएगा? ऊपर, और 7 चला जाएगा नीचे, 4 बाय 7 बन जाएगा। अब देखिए ये सेम आपकी क्या आ गई? मल्टीप्लीकेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28, क्या बचा आपके पास? 4 और 4, तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या आ जाएगा? 4 फोर जा 16। तो आपका रूल क्या रहा? डिवीजन को क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट। मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के बाद जो नंबर था वो पलट जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डिवीजन के बाद जो नंबर था वो पलट जाएगा, और फिर आपने मल्टीप्लीकेशन तो की है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शंस। आपको रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब है आप नंबर को उल्टा कर देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, चाहे आपका कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो उसका रेसिप्रोकल यही होता है। आपका रेसिप्रोकल क्या होता है? आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा। जैसे आपको फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल 18 बाय 7 का, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 18 बाय 7 का? रेसिप्रोकल ऑफ 18 बाय 7 इज, 7 नीचे था तो 7 आ गया ऊपर, और 18 ऊपर था तो 18 आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 7 बाय 18, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ 15 बाय 1। 15 बाय 1 का रेसिप्रोकल निकालना है, क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, 15 बाय 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर आएगा, 15 नीचे, क्या हो जाएगा? 1 बाय 15। सो रेसिप्रोकल ऑफ 15 बाय 1 इज 1 बाय 15। थैंक यू क्लास।